दोस्तों, मेहनत और शिक्षा का कोई विकल्प नहीं। अगर आप मेहनती हैं और शिक्षित होना चाहते हैं तो कोई भी आपकी रुकावट नहीं बन सकता। हमारी ये कहानी यही दिखाती है कि मेहनत और शिक्षा के बल पर आप कुछ भी पा सकते हैं। इस कहानी का शीर्षक है शिक्षा का महत्व। पालम विहार गुरुग्राम में सुनील नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। उसके बेटे का नाम सुरजीत और बेटी का नाम शिवानी था। सुनील फल का ठेला लगाता था। उसका बेटा सुरजीत उसके काम में हाथ बढ़ाता था। बेटी शिवानी। जी पिताजी। इतनी रात हो गई है, अंदर चलो। आ रही हूँ पिताजी। बेटा सुरजीत। जी पिताजी। बाहर सेब की पेटी रखी है, उन्हें अंदर ले आओ, कल मार्केट में बेचने जाना है। अभी लाया पिताजी। अजी सुनते हो? कहो। सुरजीत बड़ा हो गया है, उसे भी अपने साथ काम धंधे पे ले जाओ। कह तो तुम सही रही हो, कल ही उसे मार्केट ले जाता हूँ अपने साथ ठेली लगाने। अरे आलू ले ले, प्याज ले ले, प्याज, टमाटर टमाटर टमाटर, आलू आलू आलू, प्याज प्याज, सेब ले लो, सेब, दस के डेढ़ किलो, दस के डेढ़ किलो, ताजा कश्मीरी सेब। अरे भैया, सेब क्या भाव दिए? आइए मैडम आइए, 100 रुपए किलो लगा दिए। ओह इतने महंगे, पीछे तो 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। आप ना 80 दे देना, कितने कर दूँ? अच्छा 2 किलो कर दीजिए। ठीक है अभी करता हूँ। हाँ ये लीजिए, हो गया। लाइए, कितने पैसे हो गए? बहन जी आप 160 दे दीजिए। चाय 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 चाय, सेब ले लो, सेब, चाय चाय ले लो, चाय ले लो, चाय 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 चाय। वो महिला सेब लेकर चली जाती है, तभी सुरजीत के स्कूल के अध्यापक दुबे सर वहाँ आते हैं। जरा एक लो सुरजीत, तुम? जी नमस्ते सर। नमस्ते, तुम यहाँ स्टेली पर? स्कूल छोड़ दिया क्या तुमने? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, उनको बुलाओ। पिताजी दुबे सर आए हैं। अरे नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। तुमने इसको पढ़ाई छुड़वा दिया तुमने? अरे सर, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब कमाए खाए। ये कैसी बात कर रहे हो सुनील, तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, क्लास में अव्वल आता है। क्या फायदा सर, क्या कर लेगा पढ़कर? क्या कर लेगा पढ़कर? सुनील कैसी बातें करते हो, तुम्हारी यही सोच तुम्हें आगे नहीं आने देती। अगर यही सोच होती तो एक गरीब का बेटा साइंटिस्ट नहीं बनता, एक गरीब की बेटी IPS नहीं बनती, और एक गरीब का बेटा CM PM नहीं बनता। पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है, इंसान सही गलत के निर्णय करता है, स्वयं अपनी जिंदगी के सही फैसले लेता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। चलो मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ गुजार दी, वैसे ही चाहते हो आपकी बेटी की भी लाइफ गुजरे? बोलो बोलो सुनील बोलो। दुबे सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। सुरजीत बेटा, तू जा और पढ़, खूब पढ़, हम सबको तुझ पर प्राउड हो, ऐसा काम करके दिखा। जी पिताजी। ये हुई ना बात, शाबाश सुनील शाबाश। दोस्तों, सुरजीत के पिताजी दुबे सर की बात मानकर उसे स्कूल भेज देते हैं। सुरजीत एक मेहनती लड़का था, उसने बहुत मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन उसी बाजार में सरकारी अफसर बनकर पहुंचा, जहां कभी उसने ठेला लगाया था। याद रखना दोस्तों, मेहनत और शिक्षा का कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुनी ये कहानी जिसका नाम था शिक्षा का महत्व। इस कहानी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के नाम हैं गिरिजा शंकर, सुरजीत, प्रिया जायसवाल, ज्योति सागर, निशा, मोनू शर्मा और शिवानी। धन्यवाद।